हमारे साथ हैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा, वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य। मिश्रा जी का स्वागत है और मैं चाहूँगा कि इस विषय पर आप विस्तृत जानकारी प्रदान करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पाठ योजना हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के रूप में आइडेंटिफाई हुई है। अब तक जितने भी कमीशन्स और जितने भी आयोग बने हैं, सबने इसकी महत्ता को स्वीकार किया है। जी जी। और इसको कैसे ठीक तरीके से बनाया जाए, इसकी क्या उपादेयता है, यह एक महत्वपूर्ण और यक्ष प्रश्न के रूप में हमारे सामने, हमारे शिक्षकों के सामने आता है। मिश्रा जी, मैं चाहूँगा कि पहले आप पाठ योजना है क्या इस पे हमारे शिक्षार्थियों को बताएं, उसके बाद इसको निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, मतलब कैसे, मतलब कि इसका निर्धारण होगा जी, ये आप जी इसमें बहुत मूलभूत प्रश्न है कि पाठ योजना क्या है और इसका निर्धारक तत्व क्या है। इसको थोड़ा सा हम लोग बहुत व्यावहारिक पक्षों को इसके समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी पढ़ाई लिखाई को लेकर, हमारे कक्षा व्यवस्था को लेकर, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को लेकर। इसको इस तरीके से समझें कि एक बार अपने प्रशिक्षण, जो भी प्रशिक्षण करने वाले विद्यार्थी हैं, उन पर उनकी शिक्षिका इसलिए व्यथित हो गई क्योंकि उसने अंग्रेजी की पाठ योजना को हिंदी में बना लिया और शिक्षिका का जोर जो है वो पाठ योजना की व्यावहारिक प्रकृति एवं तकनीकी ज़रूरतों के बजाय पाठ योजना से जुड़े रस्म रिवाजों पर ज़्यादा था। और यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि अपनी पाठ योजना को रेखांकित करने के लिए प्रशिक्षणार्थी ने जिस भाषा का चयन किया था उसका महत्व नगण्य था। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ जिस तरीके की व्यवस्था है और जिस तरीके की पाठ योजना की बात हम लोग करते हैं, उसमें रस्म व रिवाज जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता जी, है। जी जी। पाठ योजना का जो उद्देश्य है, पाठ योजना की जो मूलभूत अवधारणा है, पाठ योजना का जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्टेप फॉर्मेशन है, उसकी बजाय हम एक निश्चित ढांचे में वर्षों से चले आए रस्म रिवाज को निभाने का काम करते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं, 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 मैं एकदम सहमत हूँ इस बात से कि देखा गया है कि जो हमारे शिक्षक प्रशिक्षक हैं, उनके अगर हम उनके बताए हुए बिंदुओं को मतलब कि अनुगमन नहीं करते हैं तो पाठ योजना को सही नहीं माना जाता नहीं है। माना जाता है। इसमें एक चीज़ और है कि स्थायी शिक्षक बनने के लिए जो सेवा पूर्व शिक्षक जो हैं वो कई प्रशिक्षणों से होकर गुजरते हैं और पढ़ाए जाने वाले पाठों की योजनाएं बनाना उनमें से एक है। और जबकि जो प्रशिक्षणार्थी हैं इसे समय और ऊर्जा की बर्बादी समझते हुए एक दंड के रूप में लेते हैं। और यह बात जो है वो मैं अपने अनुभवों के साथ, अपने विद्यार्थी जीवन के अनुभवों के साथ और अपने अध्यापकीय जीवन के अनुभवों के साथ जो बात मैंने समझी है वो यही समझी है कि विद्यार्थी इसको एक दंड के रूप में स्वीकार करते हैं, विद्यार्थियों के तत्व के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति की भी समस्या है कि उनका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता है और वो इसको मतलब इसके जो बारीकियां उसको समझने के बजाय इसको मतलब कि गलत तरीके से जी। तो अब प्रश्न यह उठता है कि शिक्षक प्रशिक्षकों के रूप में क्या हमने यह समझा भी है कि पाठ योजना की बनाने की इस प्रक्रिया का दरअसल अर्थ क्या है? क्या एक क्या सारी जिम्मेदारी विद्यार्थियों की ही है? क्या उनकी अभिवृत्ति को ही दोष देना उचित होगा? क्या एक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में हमने इस बात को समझा है कि आखिर पाठ योजना में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? तो जो प्रश्न अब उठ खड़ा होता है वह यह कि पाठ योजना है क्या? ये तो मैं उसकी पूर्व पीठिका बना रहा था। तो पाठ योजना जो है यह सीखने के एक या अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित समय में निर्धारित पाठ्यक्रम के किसी एक भाग का प्रस्तुतिकरण करने के लिए तैयार किया गया गतिविधियों का एक व्यवस्थित समूह है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड सेट है एक्टिविटीज का। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है इसमें समझने की। दूसरी बात यह है कि पाठ योजना जो है वो है क्यों, पाठ योजना की जरूरत क्या है? तो यह समझने की जरूरत है इसमें कि एक अध्यापक पढ़ाना क्यों चाहता है जी, आप निर्धारित वस्तु को ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं जी, आपके विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान क्या है, निर्धारित विषय वस्तु को पढ़ाने में आपको कितना समय लगेगा, पढ़ाते समय आपको किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी जी, आपके पढ़ाने के पद क्या होंगे, स्टेप्स ऑफ टीचिंग क्या होंगे, और आप यह कैसे जानेंगे कि विद्यार्थी सीख गए,
यदि हम अपने विद्यार्थियों को इन तरीकों से बताना शुरू करें कि यह पाठ योजना का उद्देश्य है, कि आप इसको यदि ठीक से समझेंगे तभी आप यह समझ पाएंगे कि पाठ योजना क्या है, तो शायद विद्यार्थियों का जो निगेटिव एटीट्यूड है पाठ योजना को लेकर के वो थोड़ा सा दूर होगा। अब डॉक्टर साहब, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है वह है पाठ योजना के निर्धारक तत्व। विद्यार्थियों को यह मैं सलाह दूंगा कि जो स्क्रीन पे एक चित्र उभर कर आ रहा है उसे ध्यान से देखें और वह यह समझें कि शिक्षण उद्देश्य क्या है, या सीखने की परिस्थितियां एवं कक्षा संगठन क्या है, और जो शिक्षण शास्त्रीय उपागम है वो क्या है, और शिक्षण एवं अधिगम जो है उसका विभिन्न विभिन्न तकनीकियां क्या हैं। यह चार जो हैं पाठ योजना के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व के रूप में आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। जी जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए, पाठ योजना से संबंधित जो शिक्षा शास्त्रीय उपागम है जी, इनसे मतलब क्या तात्पर्य है? जी, शिक्षण शास्त्रीय उपागम जो है एक महत्वपूर्ण उपागम है पेडागॉजिकल अप्रोचेस को लेकर के, और हमें यह बात जाननी और समझनी होगी कि पाठ योजना के विभिन्न दृष्टिकोणों में, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों में से एक है पाठ योजना के एपिसोड या चरण का एक परिभाषित अनुक्रम, जो पाठ योजना के लिए एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, एक विशेष तरीके का स्ट्रक्चर जो फॉर्मुलेट होता है। और हम यह यदि बात देखेंगे कि शैक्षणिक दृष्टिकोण या शिक्षण मॉडल का चयन सीखने की उद्देश्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। कई बार हम एक सेट बना लेते हैं पाठ योजना का, विषय कोई हो, विज्ञान का विषय हो, भाषा का विषय हो, गणित का विषय हो, हम एक ही तरीके से उसी फ्रेमवर्क में, उसी खांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जा सकती है। अब अच्छी प्रैक्टिस क्या है, जब यदि यह अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है? तो अच्छी प्रैक्टिस यह है कि प्रत्यक्ष अंतः क्रियात्मक शिक्षण हो, ऐसा लेसन प्लान हो, ऐसी पाठ योजना हो जो कि प्रत्यक्ष अंतः क्रियात्मक शिक्षण को बढ़ावा दे, जो कि प्रेरक शिक्षण को बढ़ावा दे, और जो मूल्यांकन संबंधी विभिन्न शैक्षणिक दृष्टिकोणों का ध्यान में रखकर बनाया गया हो। इस प्रकार का जो पाठ योजना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हमें यह भी समझना होगा कि एक शिक्षार्थी जो है वो ज्ञान ग्रहण करने में तभी सक्षम हो पाता है जब उसे चिंता रहित परिस्थितियों में बोधगम्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय फोकस समूह ने जो 2009 में भारतीय भाषाओं का शिक्षण करके जो पोजीशन पेपर जारी किया था, वह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और मैं सारे अपने शिक्षक साथियों को सुझाव दूंगा कि उस महत्वपूर्ण दस्तावेज को जरूर पढ़ें। उसमें भी इस बात को सुझाव दिया गया है कि निवेश केवल तभी ग्राह्य बनेंगे, जो कुछ भी आप बता रहे हैं, जो कुछ भी आप इनपुट दे रहे हैं, वह तभी स्वीकार किया जाएगा जब अभिवृत्तियां सकारात्मक हों और जब अभिप्रेरण सुदृढ़ हो, जिसकी चर्चा आपने शुरुआत में ही की थी कि अभिवृत्ति जो है वो काफी महत्वपूर्ण है ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स और विद्यार्थियों के भी पार्ट पे। और डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं कि जो पोजीशन पेपर है जी, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का, ये पढ़ने के लिए आप सुझाव देते हैं, इसके उपलब्ध कैसे कर मतलब है, मतलब कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी की वेबसाइट पे उपलब्ध है, और वहाँ से सारे पोजीशन पेपर जो है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं, या एनसीईआरटी यदि कोई दिल्ली आ रहा है तो एनसीईआरटी से उसे खरीद भी सकता है हार्ड कॉपी, लेकिन वो सॉफ्ट कॉपी में फ्रीली अवेलेबल है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं अब चाहूँगा कि आप शिक्षण अधिगम व्यू रचनाएं जो हैं उन पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, मैं बहुत संक्षेप में अपने शिक्षार्थियों को इससे परिचित कराऊंगा कि कौन कौन से शिक्षण अधिगम व्यूह रचनाएँ आजकल ट्रेंड में हैं और आजकल जिनकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा है। और तो इसमें हमें यह बात समझनी होगी कि एक्टिव लर्निंग, जिसे हम सक्रिय अधिगम कहते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोलाबरेटिव लर्निंग, यह भी एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम व्यूह रचना है, जिसे हम सहयोगपूर्ण अधिगम के नाम से जानते हैं। तीसरा है सहकारी अधिगम, जिसे कोऑपरेटिव लर्निंग हम लोग कहते हैं। चौथा है इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग लर्निंग, जिसे हम जांच आधारित शिक्षण अधिगम कहते हैं। और अगला है थोड़े समय में शिक्षण, जिसे कि हम लोग जस्ट इन टाइम टीचिंग कहते हैं।
तो ये सब शिक्षण अधिगम रचनाएं, व्यूह रचनाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा भी कई व्यूह रचनाएं मौजूद हैं, जैसे कि पीयर लर्निंग, साथ साथ जो विद्यार्थी सीखते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग, या तो पुराने समय से चला आ रहा है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी मानी जाती है, जैसे कि हम प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण अधिगम कहते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड टीचिंग लर्निंग, समस्या आधारित शिक्षण अधिगम, विज्ञान की कक्षाओं में इसका बहुत बेहतर इस्तेमाल किया जाता है, और स्पेशली लैंग्वेज में जो ग्रामर की क्लासेस हैं उसमें प्रॉब्लम बेस्ड टीचिंग लर्निंग का उपयोग काफ़ी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और इसके अलावा टीम बेस्ड लर्निंग, जिसे हम लोग दल आधारित अधिगम कहते हैं, एक टीम बना के हम लोग किसी टास्क को पूरा करने की बात अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा रखते हैं कि वह टीम में काम करें, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए काम करें, तो यह जो हम लोग अपेक्षा रखते हैं उसको हम लोग टीम बेस्ड लर्निंग कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ चाहूँगा कि जैसे पीयर लर्निंग है जी और टीम बेस्ड लर्निंग, इसमें थोड़ा हमारे शिक्षार्थियों को अंतर स्पष्ट किया जाए। टीम बेस्ड लर्निंग में हम एक टीम बना लेते हैं जी, और एक टीम बना के हम एक स्पेसिफिक टास्क दे देते हैं, एक दूसरे के मतलब कि सहयोग के साथ में जी, सीखने जी, की कोशिश की जाती है, और उधर जो पीयर लर्निंग है उसमें हम दूसरे अपने साथियों से सीखते जी, हैं जी। उसमें पीयर लर्निंग में क्या है कि दो या तीन या चार विद्यार्थियों के समूह में किसी को एक हुनर आता है, किसी को दूसरा हुनर आता है, तो आपस में सीखते हैं, और टीम में एक ग्रुप बना दिया जाता है, एक टीम बना दिया जाता है, और एक स्पेसिफिक टास्क ये करने को दिया जाता है। पीयर लर्निंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो शिक्षण संस्थाएं जो हैं, शिक्षक शिक्षा की जो संस्थाएं हैं उनमें ये प्रयोग किया जाता है कि जब एक साथी पढ़ा रहा होता है तो दूसरा साथी जाके उसमें उनका अवलोकन करता है और सीखता है और उनको फीडबैक भी देता है। एकदम सही उदाहरण आपने दिया कि जब वो टीचिंग करता है तो उसके विभिन्न अवयवों पे, विभिन्न डायमेंशन पे उसने कैसा प्रदर्शन किया, तो ऐसी स्थिति में जो उसका दूसरा साथी होता है वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, अध्यापक की उपस्थिति में वो थोड़ा सा हिचकता है, लेकिन जब उसका साथी उसे इवेल्युएट करता है तो वो कॉन्फिडेंस गेन करता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए मैं जिस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा वह है समय का उचित प्रबंधन। एक पाठ्य योजना में एक बढ़िया पाठ्य योजना वही है जो एक समय परिपेक्ष में, एक समय में ठीक तरीके से, जिसमें सारी बातें आ गई हैं, मतलब समय का ठीक तरीके से उसमें प्रबंधन हो, और कोई भी पाठ्य योजना बनाते समय पढ़ाने के लिए निर्धारित की हुई समय सीमा में ही पाठ्य वस्तु को पूर्ण कराने का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, जिसे प्रथम लाभ कह सकते हैं जी। और दैनिक पाठ्य योजना बनाते समय उतनी ही पाठ्य वस्तु का चयन करना चाहिए जितनी कि उस दिन के लिए निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सके, और समय के उचित प्रबंधन के लिए दैनिक पाठ्य वस्तु का चयन इकाई योजना और वार्षिक योजना को आधार बनाकर ही करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी आप आज के परिप्रेक्ष्य में और आज के दिन को ध्यान में रखते हुए, कक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस पाठ्य वस्तु का भी आप चयन करें, वह किसी न किसी रूप में इकाई योजना को सपोर्ट करे, और वह इकाई योजना किसी न किसी प्रकार से वार्षिक योजना को सपोर्ट करनी चाहिए, मतलब बेस जो है उसका वही होना चाहिए। इसके अलावा भी तमाम तत्व हम लोग देखते हैं, जैसे कि भाषा एवं वाणी भी एक निर्धारक तत्व के रूप में महत्वपूर्ण है, और पाठ्य योजना का क्रियान्वयन करते समय एक शिक्षक को जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए वो मैं चर्चा आपके साथ आगे करूँगा। पहली चीज़ जो है वो है भाषाई प्रवीणता एवं संभाषण में शुद्धता, उच्चारण दोष ना हो, भाषा पे एक आदर्श अधिकार हो। दूसरी चीज़ जो है वह है विषय वस्तु की समझ एवं आत्मविश्वास। तीसरी चीज़ जो है वह है वक्तव्य में प्रवाह एवं वाणी का संतुलन। इन चीज़ों को ठीक तरीके से ध्यान में रखना चाहिए, और क्योंकि शब्दों एवं संकेतों के गलत सुनने, लिखने और बोलने से अर्थ का अनर्थ होने का भय बना रहता है, इसलिए एक अध्यापक के रूप में, एक टीचर के रूप में आपके, आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आपके अंदर भाषाई प्रमिणता हो, विषय वस्तु की ठीक समझ हो, और आपकी बातचीत में आप जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें प्रवाह होने के साथ साथ वाणी का एक अद्भुत संतुलन आपके अंदर होना चाहिए। एक उदाहरण से इसको समझेंगे तो यह ज़्यादा स्पष्ट होगा। यस, जैसे कि हम एक सेंटेंस कहते हैं, रोको मत जाने दो, एक सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस कहते हैं, रोको मत
जाने दो। जो संरचना है उसमें बस रोको के बाद यदि कॉमा आ गया तो रोको एक वाक्य अर्धवाक्य हो गया और मत जाने दो दूसरा अर्धवाक्य हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि रुको, जाने मत दो उसको, जबकि दूसरे का मतलब है कि रोको मत, उसको जाने दो। तो बिल्कुल अर्थ ही उसका अल्प विराम से पूरा अर्थ विपरीत हो गया, अर्थ विपरीत हो गया। तो इसीलिए वाणी में संतुलन की बात की जाती है कि आप जब बातचीत कर रहे हो कक्षा कक्ष में तो आपका संतुलन इस प्रकार से हो जो कि अर्थ को कम्युनिकेट करे। अब जैसे एक शब्द और लेते हैं, यह तो एक वाक्य संरचना हो गई, एक शब्द लेंगे। जैसे कहते हैं कि आदि, आदि कहते हैं आरंभ को, बिगिनिंग को, जबकि आदि आदि कहते हैं किसी चीज की लत लग जाने को, जो कोई एडिक्ट हो जाता है किसी चीज का। तो शब्द एक ही है लेकिन आदि और आदि दोनों को कहने में जब आपने एक पे स्ट्रेस दिया तो अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो इसका हमारे शिक्षक बंधुओं को ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद हम यह देखते हैं कि बालकों की रुचियां, क्षमताएं एवं पूर्व ज्ञान, यह भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। जैसे पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को अपनी कक्षा के समस्त बालकों के परिवेश, उनके पोषण और विकास को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके साथ साथ ऐसे में हम यह देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताएँ यथा बालकों की रुचियाँ, उनकी सीखने की क्षमताएं और पाठ्य वस्तु से संबंधित पूर्व ज्ञान पाठ योजना के निर्धारण में अहम भूमिका अदा करती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जब भी हम पाठ योजना बनाएं हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों के बीच जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, उनको कैटर किया गया है कि नहीं किया गया है, विद्यार्थियों की रुचि को उसमें कैटर किया गया है कि नहीं किया गया है, शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है, विद्यार्थियों के क्षमताओं का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है, उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ विषय पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। यदि नहीं पढ़ाया जा रहा है तो क्या उसके पूर्व ज्ञान को उस विषय वस्तु में, उस पाठ्य योजना में समाहित किया गया है या नहीं किया गया है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक और ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ एक बात और है कि प्रामाणिकता एवं अद्यतन ज्ञान, जी जो नॉलेज हो वो ऑथेंटिक हो और अपडेटेड हो, यह अध्यापकों के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो परंपरा है उसमें एक अध्यापक एक विशेष डिग्री कर लेता है, वह अध्यापक बन जाता है, लेकिन यदि उसका ज्ञान अपडेटेड नहीं है, यदि वह रोज़ अपने आप को रिफ्रेश नहीं करता है, उसका ओरिएंटेशन प्रॉपरली नहीं होता है, तब तक वो विषय वस्तु को ठीक तरीके से समझा पाएगा, इसमें संदेह बना रहता है। जैसे पाठ योजना बनाते समय भी यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो ज्ञान दिया जा रहा है वह प्रामाणिक हो और ऑथेंटिकेटेड हो, अद्यतन हो, नया हो, नवीन हो। इसके साथ साथ बदलते समय के साथ साथ जो नवीन अनुसंधान है, जो नए रिसर्चेस से यदि पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु में कोई परिवर्तन हुआ हो तो उससे भी एक शिक्षक को परिचित होना चाहिए ताकि बालकों तक सही ज्ञान ठीक तरीके से पहुंच पाए। मतलब कि आपका कहना है कि अध्यापक के व्यवसाय में सतत अध्ययन की शर्त है। बिल्कुल सही आपने समझा। जब तक वो अपने आप को अद्यतन नहीं करता है, अपने आप को रिसर्च नहीं करता है, अपने खुद को नहीं ढूंढता है उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए, तब तक वो एक अच्छा अध्यापक नहीं है। और यदि यह सारी चीज़ें उसकी पाठ्य योजना में शामिल नहीं है तब तक वो एक अच्छी पाठ्य योजना नहीं की जा सकती है। अब हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि उदाहरण कैसी भूमिका अदा करते हैं एक पाठ्य योजना को लेकर, उदाहरणों का क्या महत्वपूर्ण। आप डॉक्टर साहब ठीक तरीके से जानते हैं और हमारे शिक्षार्थी भी यह बात ठीक तरीके से जानते हैं कि उदाहरण चीज़ों को स्पष्ट बनाते हैं, उदाहरण चीज़ों के कॉन्सेप्ट को, विषय वस्तु के संप्रत्यय को स्पष्ट करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं और समझने योग्य बनाते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी पाठ योजना केवल पाठ्य सामग्री से ही पूर्ण नहीं होती है, इसके लिए पाठ योजना को रोचक भी होना चाहिए और रोचक बनाने के लिए पाठ योजना को व्यावहारिक बनाया जाना जरूरी है, और व्यावहारिक बनाए जाने के लिए आवश्यक उदाहरणों का भी यथा उचित स्थान पर समावेश किया जाना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है, जब तक उदाहरण नहीं शामिल होंगे तब तक वह व्यावहारिक नहीं होगा, जब तक वह व्यावहारिक नहीं होगा तब तक वह रोचक नहीं होगा, और जब तक वह रोचक नहीं होगा तब तक वह अच्छी पाठ योजना का के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है।
तो हम यह बात ठीक तरीके से जाने कि जब भी पाठ योजना बने उसमें उचित उदाहरणों का समावेश किया जाता रहे बीच बीच में, जिससे कि उसकी रोचकता बनी रहे। इसके अलावा जो टीचिंग स्किल्स हैं उनका भी उपयोग, जानते हैं आपके बेहद ज़रूरी है, टीचिंग स्किल्स को ठीक तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। और एक अध्यापक शिक्षण कौशल आप ठीक तरीके से जानते हैं कि आगमन निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण, दृष्टांत कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, करके सीखना आदि में ठीक तरीके से यदि कुशल नहीं है, आदि में पारंगत नहीं है, और इन सब जो टीचिंग स्किल्स है इनका उपयोग ठीक तरीके से पाठ योजना में नहीं किया गया है, तब तक वह एक पाठ योजना आदर्श पाठ योजना नहीं है। तो यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पाठ योजना बनाएं आवश्यकता के हिसाब से, विषय की ज़रूरत, जैसे आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं, आप नाउन पढ़ा रहे हैं, तो नाउन पढ़ा रहे हैं या संज्ञा पढ़ा रहे हैं, तो आपको यह जानना होगा कि संज्ञा पढ़ाने की एक बेहतर विधि है आगमन और निगमन विधि। जी, तो आप इस तरीके से उसमें रखें कि केवल व्याख्यान कौशल ही ना हो, केवल प्रश्नोत्तर कौशल ही ना हो, आगमन निगमन विधि का भी ठीक तरीके से प्रयोग किया गया हो। तो शिक्षण कौशलों का प्रयोग यदि ठीक तरीके से किया जाता है तो एक जो पाठ योजना है वह आदर्श पाठ योजना बनती है। इसके अलावा जो चीज़ें आवश्यक हैं उसके रूप में हम लोग देखते हैं कि अंतःक्रिया और संवाद, यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि विद्यार्थी जो है इंटरैक्ट करते हैं कि नहीं, कक्षा में एक संवाद पैदा हुआ है कि नहीं। तो पाठ योजना के निर्धारक तत्वों के रूप में कक्षा में होने वाली अंतःक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब अंतःक्रिया किस प्रकार की हो सकती है, यह प्रश्न उठता है। जैसे अंतःक्रिया छात्र छात्र के बीच में हो सकती है, अंतःक्रिया शिक्षक और छात्र के बीच में हो सकती है जी। तो इस तरीके के अंतःक्रिया को करवाने के लिए पाठ योजना में स्थान दिया जाना चाहिए। पाठ योजना में यदि इस तरह की अंतःक्रिया होती है तो विद्यार्थी भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर पाते हैं एक कक्षा कक्ष में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, और पाठ्य वस्तु के समझ में आने के कारण छात्रों का आपसी संवाद और शिक्षक से अधिक प्रश्न पूछने के कारण विषय वस्तु से भटकना भी पाठ योजना बनाते समय ध्यान में रखे जाने वाले तत्व हैं। कई बार क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डायलॉग स्टैब्लिश करते हैं विद्यार्थियों के सामने, विद्यार्थी तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं जी। तो क्या एक अध्यापक को करना चाहिए, क्या उसे सवाल पूछने के हुनर को दबा देना चाहिए या उसे सवाल पूछने के लिए उत्साहित करना चाहिए? खतरे दो हैं। एक, यदि आप उसे सवाल पूछने से मना करते हैं तो आप उसकी प्रतिभा पर अंकुश लगा रहे हैं, उसके क्यूरियासिटी को रोक रहे हैं, उसके इंक्विजिटिव नेचर को आप प्रभावित कर रहे हैं, और यदि आप उसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उसके साथ खतरा यह है कि आपने जो आज निर्धारित किया है टीचिंग पॉइंट्स, आपने जितना विषय निर्धारित किया है कि आज आपको डिलीवरी करनी है, वह हो सकता है कि आप ना कर पाए। तो एक अच्छा अध्यापक वह है जो उसके जिज्ञासा पे बिना अंकुश लगाए उसके प्रश्न पूछने के हुनर को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने विषय वस्तु में यूटिलाइज कर ले, वही एक अच्छा अध्यापक है। तो यह आवश्यक है एक अध्यापक के लिए कि वह उसी के प्रश्नों से विषय पर रहे, विषय से भटके ना। और पाठ योजना बनाते समय बालकों के समझ के अनुसार भाषा का चयन किया जाना, शिक्षक की भाषाई प्रवीणता एवं विषय वस्तु की समझ, आत्मविश्वास के साथ संवाद में निरंतरता, वक्तव्य में प्रवाह बनाए रखने की क्षमता एवं वाणी का संतुलन, पाठ योजना से भटकने से बचने का कौशल। कई बार पाठ योजना बन गई, अध्यापक कक्षा में गया और वह उस पाठ योजना से भटक जाता है, वह जो टीचिंग पॉइंट्स निर्धारित किया है उन टीचिंग पॉइंट्स पे स्टिक नहीं रहता है, यह एक खतरा होता है कक्षा कक्ष परिस्थितियों में। इससे आप अपने आप को बचाएं तो आप एक बेहतर अध्यापक और एक बेहतर पाठ योजना पर पढ़ाने वाले अध्यापक बन सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ योजना के लिए सिर्फ विषय वस्तु का ज्ञान जरूरी नहीं है जी, विधि प्रविधि और बच्चों के पूर्व ज्ञान का भी हमें समझ होना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, उसे पूर्व ज्ञान से लेकर के टीचिंग स्किल,
विभिन्न प्रकार के टीचिंग स्ट्रैटेजीज, इन सब का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक आजकल एक 5E मॉडल का संप्रत्यय चल रहा है, तो हम चाहेंगे संक्षेप में आप इसको। चूंकि संक्षेप में आपने कहा, तो इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत न करके इसको बहुत सामान्य तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। किसी भी शिक्षक को अपनी कक्षा में पाठ पढ़ाने से पूर्व कुछ संप्रत्ययों को कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे कि समय और श्रम का सही उपयोग हो सके, यह आवश्यक होता है। तो इसके लिए ही शिक्षण अधिगम का 5E मॉडल जो है री इन्वेंट किया गया। और इसमें जो है 5E से मतलब कि 5E का इस्तेमाल है, जैसे एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलाबोरेट और इवेलुएट करते हैं। यदि मैं हिंदी में अपने विद्यार्थियों को समझाऊं, चूंकि यह लेक्चर हिंदी में है, तो संलग्न होना या संलग्न करना, अन्वेषण करना या खोजना, स्पष्टीकरण करना, विस्तार करना या विस्तृत करना और मूल्यांकन करना, ये 5 जो है इसके मुख्य तत्व बिंदु हैं। ये 5 बिंदु हैं। अब एक एक को हम लोग संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे। संलग्न हो या संलग्न होना या संलग्न करना, जैसे एंगेज कहते हैं, क्या है यह संप्रत्यय? मूलतः रुचि उत्पन्न करना, पूर्व ज्ञान तक पहुंचना एवं नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, केंद्रित होने या केंद्रित करने के मानक तय करना, और विचारों का ढांचा तैयार करना या विचारों का एक फ्रेम प्रदान करने के तरफ इशारा करता है, जिससे कि विद्यार्थी उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उस ज्ञान पाने वाली परंपरा में खुद को इंगेज होना पाता है। इसी को संलग्न होना या इंगेज होना हम लोग कहते हैं। दूसरा है एक्सप्लोर करना। यह संप्रत्यय जो है अनुभव से उपजे मुख्य संप्रत्ययों को खोजने से संबंधित है, नए कौशलों को खोजने से संबंधित है, विचारों की उत्पत्ति के स्रोत खोजने से संबंधित है, संबंधों एवं समझ के पीछे के तर्क को खोजने से संबंधित है। इसमें जो यह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि अन्वेषण करना या खोजना हम लोग कहते हैं, उससे जुड़ी हुई बात है। अगला जो है वो एक्सप्लेन करना, जैसे हिंदी में हम लोग स्पष्टीकरण जिसे कहते हैं। तो यह संप्रत्यय जो है वह स्वयं के शब्दों में स्पष्टीकरण देने से इसका तात्पर्य है, और संप्रेषण की प्रभावशीलता, अनौपचारिक भाषा को औपचारिक भाषा से जोड़ना, संवाद में शुद्धता एवं धारा प्रवाहिता जो है स्पष्टीकरण का, एक्सप्लेनेशन का मुख्य आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हैं, मुख्य स्पष्टीकरण बिंदु हैं। इसके अलावा विस्तार करना या विस्तृत करना, जिसे हम एलाबोरेशन कहते हैं, जिसे एलाबोरेट करना कहते हैं, यह संप्रत्यय ज्ञान का समान परिस्थितियों में अनुप्रयोग करना, पहले से मौजूद संप्रत्ययों का विस्तार करना अन्वेषण के माध्यम से, समस्याओं को सीखने का माध्यम बनाना, इन चीज़ों से संबंधित है। इसके अलावा मूल्यांकन करना जो है, यह संप्रत्यय निम्न आधारभूत तथ्यों को ध्यान में रखने की बात करता है। और वो जो आधारभूत तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, वह एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आधारभूत तत्व है, आप जैसा कि फ्रेम में देख भी रहे हैं, अवबोध, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो अवबोध का मूल्यांकन करना स्वयं के द्वारा, पीयर ग्रुप में और शिक्षक के द्वारा। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो है या अलग चीज़ जो है, वह अपने अवबोध का स्वयं से मूल्यांकन करना और आपके पीयर ग्रुप द्वारा मूल्यांकन किया जाना, जबकि सामान्य परंपरा में मूल्यांकन का कार्य केवल शिक्षक के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा खुले व बंद प्रश्नोत्तर का प्रयोग करना, मूल्यांकन के पूर्व में प्रोत्साहन देना एवं मूल्यांकन के बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है रीइन्फोर्समेंट प्रदान करना। जी धन्यवाद मिश्रा जी, मैं आप इस इतने सरल तरीके से आपने सारी बातों को रखा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, और NIVS की तरफ से और स्टूडियो की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।